जय सच्चिदानंद जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रोस्टेड पीनट्स और आलू की फराड़ी खिचड़ी, जिसको आप महाशिवरात्रि या किसी भी व्रत में श्रावण मास में कभी भी खा सकते हैं। अगर आप व्रत में चीज़ खाते हैं तो खिचड़ी के ऊपर चीज़ ग्रेट करके खाइए, वरना आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी रोस्टेड पीनट्स लिया है, खारी सिंग बोलते हैं गुजरात में जिसको। इसे हम एक बाउल में डाल देंगे और इसके छिलके निकाल देंगे, इसे साफ कर लेंगे। देखिए हमने इसको साफ कर लिया है, इसके छिलके निकाल दिए हैं। अब हम इसे एक मिक्सर बाउल में डालेंगे और इसको क्रश कर लेंगे। बिल्कुल बारीक महीन नहीं पीसना है इसको, हमें दरदरा ही पीसना है। देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर एक कटोरी बॉयल आलू लिए हैं, दो बड़े आलू हैं ये, इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर एक पैन गरम करने रखते हैं और इसमें मैं दो बड़े चम्मच ऑयल ऐड करूँगी, दो टेबलस्पून ऑयल है ये। इसके बाद इसमें हम जीरा ऐड करेंगे और अदरक हरी मिर्ची की पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। और कड़ी पत्ता अब हम इसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे। दो मिनट बाद इसमें हम टोमेटो प्योरी ऐड करेंगे, दो बड़े टमाटर की प्योरी है ये, थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक ये टोमेटो प्योरी पकती है तब तक हम यहाँ पर पीनट्स और काजू को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी टोमेटो प्योरी तैयार है। ऑयल हर तरफ से निकल चुका है, पक चुकी है ये अच्छे से। अब हम इसमें वाइट तिल ऐड करेंगे और टेस्ट को बैलेंस आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच शुगर ऐड की है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम ग्रेट किए हुए आलू ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। साथ में ही हम यहाँ पर क्रश किए हुए पीनट्स भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे और इसके बाद मैं इसमें फ्राई किए हुए पीनट्स और काजू ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू और जो सींग है वो मसालों को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। देखिए 5-7 मिनट हो गई है और हमारी सींग आलू की खिचड़ी तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म सींग आलू की खिचड़ी तैयार है। व्रत में खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी खिचड़ी है।
इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं 2 छोटे बाउल में खिचड़ी को सर्व करूंगी। और इसके बाद मैं 1 बाउल के ऊपर चीज़ ग्रेट करूंगी। अगर आप व्रत में चीज़ खाते हैं तो खिचड़ी के ऊपर चीज़ ग्रेट करके और फिर इस खिचड़ी को खाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगती है। कैसी लगी आपको सींग आलू की चीज़ी खिचड़ी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।